हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोइल मैकेनिक्स के 10 नए क्वेश्चंस के साथ। पहला है, टू मेक सर्टन दैट द बैकफिल मटेरियल इज मोर परवियस देन द सोइल टू बी ड्रेन्ड द रिलेशनशिप यूज्ड इज। तो इसके लिए जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि D15 ऑफ फिल्टर डिवाइड बाई D15 ऑफ प्रोटेक्टेड सोइल, इसकी वैल्यू 5 से 20 के बीच में लाइक करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, D15 ऑफ फिल्टर इज ग्रेटर देन 5 times ऑफ D15 ऑफ प्रोटेक्टेड सोइल। सेकेंड वन है, द चेंज इन द वर्टिकल स्ट्रेस इन सोइल मास एस्टिमेटेड बाई बुसिनस इक्वेशन व्हेन पॉइजन रेशियो ऑफ सोइल चेंज फ्रॉम 0.3 टू 0.5 विल बी। तो बुसिनस की इक्वेशन आप देखेंगे वर्टिकल स्ट्रेस के केस में, तो वो है 3Q/2πz² 1/1+R/z² होल टू द पावर 5/2। तो बुसिनस के अकॉर्डिंग वर्टिकल स्ट्रेस पॉइजन रेशियो से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता है, तो इसके चेंज होने से वर्टिकल स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, नो चेंज। थर्ड है, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सोइल इज कंटिंजेंट ऑन। तो अगर सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात करें तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन एक कॉन्स्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे होता है अकॉर्डिंग टू ट्रेजागी, और कॉन्स्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे होता है, तो क्रीप भी एक ऐसा ही फिनोमेना है जो कि कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पे होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। व्हेन ए स्ट्रक्चर लोड इज अप्लाइड ऑन सोइल स्ट्रेटम विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप्स विल हैव मिनिमम सेटलमेंट। तो मिनिमम सेटलमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि ओवर कंसोलिडेशन जो क्ले है उसका कंप्रेशन इंडेक्स बाकी दी हुई सोइल से कम है, तो इसका सेटलमेंट भी सबसे कम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ई, ओसी क्ले स्ट्रेटम। फिफ्थ वन है, इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड सोइल सैंपल पोर वाटर प्रेशर इज जीरो ड्यूरिंग। तो पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा अगर कंसोलिडेट टर्म को हम देखें, तो वो उसका हम डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है, और ड्रेन की बात करें तो उसका मतलब है सेकेंड स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउड है। तो दोनों ही स्टेज में अगर ड्रेनेज अलाउड है तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, पोर वाटर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ कंसोलिडेशन एंड शेयरिंग स्टेज। सिक्स वन है, लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन। अगर हम वेन शेयर टेस्ट की बात करें तो वेन शेयर टेस्ट बेसिकली शेयर क्ले के शेयर पैरामीटर्स को डिटरमाइन करता है, लेकिन ये लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी क्ले भी डिटरमाइन करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, इन ए शेयर टेस्ट ऑन कोहेशनलेस सोइल इफ द इनिशियल वॉइड रेशियो इज लेस देन क्रिटिकल वॉइड रेशियो द सैंपल विल। तो अगर इनिशियल वॉइड रेशियो क्रिटिकल वॉइड रेशियो से कम है तो इसका मतलब सोइल जो होगी वो डेंस होगी, इनिशियली डेंस होगी, तो वॉल्यूम जो है वो इनिशियली डिक्रीज होगी और उसके बाद में वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनिशियल डिक्रीज एंड देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। एट्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबमर्ज सोइल इज ससेप्टेबल टू लिक्विफेक्शन अंडर अर्थक्वेक शॉक्स। तो अर्थक्वेक के शॉक की बात करें तो उस केस में क्या होगा, अगर लूज सिल्ट होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा और पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वजह से अर्थ इफेक्टिव स्ट्रेस में डिक्रीज होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होते होते जब जीरो हो जाएगा तो सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ लूज कर देगी, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन। तो ये फिनोमेनन किस में होगा, लूज सिल्ट, सी। नाइन्थ है, एज द स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डेंस एंड चेंजेस फ्रॉम प्लेन स्ट्रेन टू ट्राइएक्सियल स्ट्रेन कंडीशन द इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो अगर हम प्लेन स्ट्रेस की बात करें तो उस केस में कोई कन्फाइनमेंट नहीं होगा, लेकिन ट्राइएक्सियल स्ट्रेन की बात करें तो उस केस में क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन में कन्फाइनमेंट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। सही आंसर है ए, इंक्रीजेस। टेंथ है, ए सोइल हैज़ ए वॉइड रेशियो ऑफ 1 इफ द वॉइड रेशियो इज रिड्यूस्ड टू 0.6 बाई कॉम्पैक्शन द परसेंटेज वॉल्यूम लॉस इज 10%, 20%, 30% एंड 40%। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।